What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, अगर आप लोग हमेशा उस चॉइस के साथ में आगे बढ़ेंगे लाइफ में जिससे आप लोगों को बहुत डर लगता है, तो हमेशा आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों की लाइफ एक प्रोडक्टिव लाइफ देखने को मिलेगी। अगर आप लोग सोचते हैं डेली की लाइफ बिल्कुल ऐसी चलती रहे जैसी पास्ट में चल रही थी, यानी कि कोई भी टेंशन कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में अगर न हो, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग एक प्रोडक्टिव इंसान है ही नहीं है, आप लोग एक प्रोग्रेसिव इंसान है ही नहीं है, आप लोग चाहते ही नहीं कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आए और आप लोगों की लाइफ जो है वो आगे बढ़े। इसका मतलब यह है, यानी कि आप लोग जो है वो चेंज से डरते हैं, और जो इंसान चेंज से डरता है वो इंसान कभी भी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम की प्रकृति ही है कि एक तरीके से चेंज होते रहना, हर एक सेकंड में टाइम चेंज होता है। तो इसलिए अगर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बदल रहा है, तो कभी भी उससे डरना नहीं चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो यही बात यहां पर बोली गई है कि हमेशा उस चॉइस के साथ में आगे बढ़ो जिससे आप लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है, यानी कि अगर आप लोग कोई डर है आप लोगों के अंदर, फियर है यार ये काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, पता नहीं यार क्या-क्या कौन-कौन क्या-क्या कहेगा, उसी काम को करो और अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिव लाइफ बनाओ और अच्छे से लेकर चलो, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को फोकस देनी है, यानी कि थोड़ा और उदाहरण अगर दूं, मेरा डर है कि मेरे से सुबह उठा नहीं जाएगा तो सुबह उठने की कोशिश करो, मेरा डर है कि मेरे से एक्सरसाइज होगी नहीं यार तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को करना स्टार्ट कीजिए, एक सब्जेक्ट से डर लगता है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करो, तो वो जो फियर है वो अपने आप लोगों का चला जाएगा। काफी कुछ शानदार आज यहां पर डिस्कस करें, काफी शानदार डिस्कशन हमारा रहने वाला है, और आज जो आप लोगों का मैं बेस्ट क्वेश्चन है यह अपर गंगा रिवर, जाकर इसको देखिएगा कहां पर ये लोकेटेड है, खासकर ब्रज घाट टू नरोरा स्टेज, तो इसको रामसर साइट कन्वेंशन का दर्जा दिया गया है, तो किस एरिया में पड़ता है और कब इसको इस कैटेगरी में डाला गया है ये भी आप लोगों को बताना है। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, काफी शानदार और काफी आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, तो डिटेल में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो यहां पर ये वाला आर्टिकल है, यहां पर एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, खासकर हमारी कंट्री में जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है उसके चलते ये बातें यहां पर बोली जा रही है, तो हम लोग को इसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए, तभी हम लोग इंप्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएंगे और अपनी कंट्री की हेल्थ भी अच्छी रख पाएंगे। साइड वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर पैलेस्टीन प्लान के बारे में बात कर रहा है, काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारी कंट्री में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उसके लिए पैसा नहीं बचा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में फोकस दिया जा रहा है। आखिर साइंस को किस तरीके से हम लोग लेकर आगे चल सकते हैं, हमारी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो ना के बराबर है और उसको हम लोग जो पैसा दे रहे हैं वो भी ना के बराबर है, तो किस तरीके से उसको हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं। एक किताब के बारे में जिक्र किया गया है, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। गांधी जी की आइडियोलॉजी को बात की जा रही है, गांधी जी की आइडियोलॉजी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट के लिए भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो काफी अच्छा आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये जो साइड में यहां पर ये वाला आर्टिकल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और यहां पर जो बात की जा रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बारे में, तो इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वाला आज का कार्टून देखेंगे और यहां पर ये है डेटा पॉइंट, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। तो कहने का मतलब ये काफी सारे आर्टिकल है, और एक और आर्टिकल आप लोगों का बचा हुआ है जो कि मुझे डिस्कस करना था, वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में, तो वो भी आर्टिकल है आप लोगों का, ठीक है। तो देखते हैं, आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर ज्यादा मुझे लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि देखिए आप लोगों का जो एनालिसिस वाला पोर्शन है उस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं दे पाता हूं आर्टिकल ज्यादा होने की वजह से, तो देखता हूं अगर हो सके तो अगर दो पार्ट में हो सके आज डिवाइड कर दूं, क्योंकि सारे आर्टिकल डिस्कस करने लायक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है कई बार, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आगे करना है, आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग जो बात करते हैं यहां पर किसके बारे में, आप ही दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को, तो यहां पर एक तरीके से जो इनके ऊपर जो विकास के बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये ट्रेडर हैं, यानी कि एक तरीके से जो एक्सपेक्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से होनी चाहिए थी वो एक्सपेक्टेशन यहां पर अगर कोई दिल्ली की गवर्नमेंट कर रही है तो उन्हीं के ऊपर उल्टे सीधे आरोप आज के दिन में लगाए जा रहे हैं। एक वीडियो देख रहा था अभी स्कूल की थी, कहीं सारे स्कूल में जाकर जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके द्वारा दिखाया गया स्कूल कितना गंदा है, तो उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की वहां पर, वो वीडियो काफी वायरल हो रही है, यानी कि वो बिल्डिंग दिखाई जो टूटी हुई है जहां पर कोई जा ही नहीं रहा है, इस तरीके से वहां पर चीजों को दिखाया जा रहा है जो कि सही नहीं है, यानी कि कोई अगर सही काम कर रहा है तो वो क्या कैसे सही काम कर सकता है जब हम लोग सही कर ही नहीं रहे, यानी कि लोगों के हाथ में इन्होंने बस एक तरीके से झुंझुना पकड़ा रखा है, बजाते रहो अपना एनआरसी को लेकर और सीए को लेकर, लोग इंप्लीमेंट के बारे में बात करें, एजुकेशन के बारे में बात करें, आज के में सोसाइटी में जिस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उनके बारे में कोई बात ही ना करें, यानी कि एक्चुअल में जो बात होनी चाहिए, मनरेगा के लिए पैसा नहीं है उसके बारे में बात करें, साइंस और टेक में हमारी कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहां उसके बारे में कोई बात ही ना करें, बस सीए और एनआरसी का झुंझुना बजाते रहो और इसके अलावा कोई चीजें बात करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा माहौल देखिए ये सही तरीके का माहौल नहीं है अगर अपनी कंट्री को आगे लेकर चलना है, और कंपेयर हम लोग करते हैं चाइना के साथ में।
चलिए जो भी है आइए आगे बढ़ते हैं, आज का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल यहां पर देखते हैं। जो आर्टिकल है आप लोगों के सामने यहां पर यह बात की जा रही है इनजस्टिस के बारे में, प्लान इनजस्टिस, यानी ये प्रॉपर वे में प्लान किया गया इनजस्टिस करने के लिए पैलेस्टीन के साथ में यूएसए के द्वारा। यूएसए के द्वारा एक प्लान लाया गया जिसको डोनाल्ड ट्रंप प्लान बोलते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया कि ये जो प्लान है ये यहां पर दोनों में शांति और सुख सुविधा लेकर आएगा, जबकि अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही इसके अपोजिट है इस प्लान में जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह डोनाल्ड ट्रंप प्लान लेकर आए और उस प्लान में कोई नौटंकी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहां पर जो बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ये प्लान है, बोला जा रहा है कि इजराइल का जो इजराइल एनेक्स कर रहा है, यानी कि एनेक्सेशन है जो इजराइल का है पैलेस्टीन को लेकर, वो एक तरीके से उसको वैलिडेट कर रहा है, यानी कि उसको एक तरीके से वैलिड पॉइंट दे रहा है कि हां ये सही हो रहा है, ये गलत नहीं है, ठीक है, और बिना पीस लाए और शांति कोई होने वाली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं शांति लेकर आऊंगा, तो इसी को आप लोग को एक्सप्लेन करना है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में पूरा आर्टिकल इसी के ऊपर घूमेगा। आइए पहले इसको एक बार मैप में आप लोग देख लीजिए कि लोकेशन कहां पर है। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री, यहां से अगर आप लोग आएंगे तो ये मेडिटेरेनियन सी वाले एरिया में यहां पर है इजराइल और पैलेस्तीन। यहां पर नहीं दिख रहा होगा तो इसको जूम कर देख लेते हैं, ये है ये वाला एरिया, ये है पैलेस्तीन जो कि आप लोगों को ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है, और ये जो व्हाइट कलर है ये इजराइल है। अगर देखेंगे 1946 तक जब हमारी कंट्री लगभग आजाद होने की कगार पर थी, उस टाइम पर इजराइल नाम की कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी, पर लेकिन अगर आज की डेट में आप लोग यहां पर काउंट करेंगे ये पैलेस्तीन नाम की चीज जो है वो खत्म होती जा रही है, अब इजराइल नाम की ही चीज यहां पर दिख रही है, यानी कि पैलेस्तीन का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है और इजराइल यहां पर कंप्लीट एक तरीके से टिक चुका है कि हां ये पूरी एक अच्छी कंट्री है, ताकतवर कंट्री है, रीजन है कहीं ना कहीं जो सपोर्ट हिस्टोरिकली इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो यूएसए से मिलती रही है। आप लोग ये रीजन देखिए, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में कोई कनेक्टिंग पॉइंट नहीं है, और गाजा स्ट्रिप जो यहां पर रूल किया जाता है वो हमास के द्वारा रूल किया जाता है, हमास के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये जो वेस्ट बैंक यहां पर रूल किया जाता है ये यहां पर फतेह ग्रुप के द्वारा रूल किया जाता है। इनको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, इनको मॉडरेट बोलते हैं, यानी कि ये सारा काम ऐसे करते हैं गुस्से में आकर अपना हथियार उठाकर इसराइल को मारेंगे, और ये बातचीत करने वाले आदमी है कि हां आसानी से हम लोग बातचीत करेंगे और मैटर को सुलझाएंगे, तो ये उस तरीके के आदमी है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस पर्टिकुलर रीजन के लिए प्लान लाया गया है कि इस पर्टिकुलर रीजन में शांति कैसे लेकर आनी है। सबसे बड़ा एक मुद्दा यहां पर जेरूसलम है, जेरूसलम ये यहां पर एक तरीके से डिस्प्यूटेड एरिया है आज के डेट में पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, जेरूसलम को बोल दिया कि ये इजराइल की कैपिटल है, ठीक है, और जबकि आज की डेट में सबकी जो एम्बेसी है वो तल अवीव में है, हमारी एम्बेसी भी यहां पर तल अवीव में है, पर लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी एम्बेसी यहां पर जेरूसलम में, यहां से जेरूसलम में पहुंचा दी। तो इसके चलते काफी सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। आसपास वाली कंट्री कौन सी है, यह सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट हो गई, तो यह भी आप लोगों के माइंड में एक क्लियर मैप होना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में रहता है ये नॉर्मली मैप। अब यहां पर बात करते हैं कंडीशन क्या है, एक एक करके देखते हैं। यहां पर जो सबसे पहले बोला गया है कि पीस प्रोसीजर का नाम दिया गया डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कि मैं पीस प्रोसीजर लेकर आ रहा हूं। तो पीस प्रोसीजर का पहला स्टेप क्या होता है, दो इंसान है ए और बी, ठीक है, उनके बीच में लड़ाई है, तो अगर आप लोग शांति बनाकर रखना चाहते हैं सबसे पहले तो ये होता है ना, दोनों को एक जगह लेकर आओ और दोनों को सामने चेयर पर बैठाओ और बात करवाओ उनकी दोनों की आपस में, और उसके बाद में आप लोग अपना सोल्यूशन बताओ, तो ये होता है पीस प्रोसीजर। पर लेकिन यहां पर इनका पीस प्रोसीजर कैसे है, ये ए को पकड़ रहे हैं और बी का कोई मतलब भी नहीं, आए या ना आए मुझे मतलब नहीं है, बस इसके साथ में अपना पीस प्रोसीजर कर रहे हैं, और है इजराइल, यानी कि इजराइल को साथ में लेकर खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग शांति करना चाहते हैं यहां पर और एक प्लान लेकर आए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस प्लान है यहां पर इजराइल और पैलेस्टीन के लिए, ये स्टार्टिंग से ही फेलियर हो चुका है, क्योंकि इसमें एक पार्टी आई नहीं है, तो कैसे आप लोग इसको एक पीस प्लान बोल सकते हैं। पैलेस्टीन के बारे में अगर बात करें तो ट्रंप जो है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी जेरूसलम को यहां पर कैपिटल बना चुके हैं 2017 में, पैलेस्टीन ये इसराइल की, पैलेस्टीन को साइड में करके। तो एक तरीके से बोला जा रहा है पैलेस्टीन के द्वारा ये स्टार्टिंग से ही इम्पार्शियलिटी रखते हैं यहां पर, यानी कि एक तरीके से ये इम्पार्शियलिटी नहीं रख पाएंगे, यानी कि पार्शियल इंसान है, ये स्टार्टिंग से ही मतभेद कर चल रहे हैं, तो आगे कहां से एक अच्छा प्लान ले सकते हैं, यानी कि जिस इंसान की नियति खराब हो वो कहां से कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके द्वारा टू नेशन थ्योरी पर फोकस किया गया, टू नेशन थ्योरी का मतलब इसराइल जो होना चाहिए वो ज्यूज के लिए, और जो यहां पर पैलेस्टीन होना चाहिए वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में रहती है, ये फोकस दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। पर लेकिन इनका जो ये प्लान अचीव करने का तरीका है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ये जो सॉल्यूशन यहां पर दे रहे हैं ये ओनली इजराइल की जो पोजीशन है उसको वैलिडेट करा दे रहे हैं, यानी कि जो भी अब तक इजराइल ने हथियार लिया है पैलेस्टीन का एरिया वो अब इजराइल का ही रहेगा, उसमें पैलेस्टीन का कोई हक नहीं है। अगर यहां पर बात करें प्लान के हिसाब से तो इसराइल के द्वारा जो जॉर्डन वैली और आसपास वाला जो एरिया सेटलमेंट है वेस्ट बैंक के अंदर भी वो वहां पर उसको वैलिडेट करा दे रहे हैं कि सही है जो यहां पर हो गया सही है। जेरूसलम को अनडिवाइडेड कैपिटल बना दिया इसराइल की, और पैलेस्टीन के लिए ईस्टर्न आउटर स्क्रिप्ट में जाकर सिटी का कोई पार्ट दे रहे हैं कि आप लोग यहां पर अपनी कैपिटल बना लो, यानी कि एक तरीके से
जो ये प्लान लेकर चल रहे हैं, इसमें लगी नहीं रहा है कि ये रियलिटी में एक शांति बनाने वाला प्लान है और यहां पर एक सक्सेसफुल शांति यहां पर ये ला सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात की जाए, इनके द्वारा गाजा स्ट्रिप को बढ़ाने की बात की जा रही है, जो कि अगर बात करें अरेबियन जो पॉपुलेशन टाउन है जो सदर्न इसराइल वाले एरिया में फिलिस्तीन के साथ मिलकर वेस्ट बैंक वाले एरिया में, तो ऐसा कर रहे हैं कि देखिए इनका बेसिक फंडा क्या है कि गाजा का विस्तार किया जाए और इसी के साथ में फिलिस्तीन के साथ में दक्षिण पूर्व इसराइल के साथ में मिलकर स्वैप यानी कि अदला बदली की जाए एरिया की। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये ज्यादातर जो एरिया है ये चाहते हैं कि वो इसराइल के कंट्रोल में रहे। इवन अंडर भी जो यहां पर व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिख रहा है जो एक एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, तो ये चाहते हैं जो इसराइल वाले और फिलिस्तीन वालों में जो फंडा चल रहा है वो चाहते हैं कि आज की डेट में अगर कोई टू नेशन की थ्योरी आए तो वो यहां पर इस बेस पर आए, जो ये मैप आप लोगों को दिख रहा है। पर लेकिन फिलिस्तीन वाले चाहते हैं कि कम से कम टू नेशन की थ्योरी यहां पर ये इस वाले मैप के हिसाब से आनी चाहिए, कम से कम हमारा गाजा स्ट्रिप और जो हमारा ये यहां पर जो वेस्ट बैंक है यानी कि ये वेस्ट बैंक हो गया, गाजा स्ट्रिप हो गया, इसमें कम से कम अंदर कोई इजराइल का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो। पर लेकिन आज के दिन में डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल वाले चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कुछ ऐसा हो, तो ये काफी एक गलत बात आप लोग बोल सकते हैं। और आज के दिन में तो कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था अरब वर्ल्ड, यानी कि जैसे कि अगर मैं यहां पर अरब वर्ल्ड के बारे में बात करूं, जैसे आप लोग यहां पर बोल सकते हैं सऊदी अरेबिया हो गया, या ये यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, ये सारे ओमन हो गया, बहरीन हो गया, ये सारे एक टाइम पर सपोर्ट किया करते थे फिलिस्तीन को। आज की डेट में ऐसा कुछ है ही नहीं है। आज की डेट में सारे जो सपोर्ट में खड़े हैं वो यूएसए के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। अगर ये इस प्लान के हिसाब से चलते हैं तो 30% वेस्ट बैंक जो है वो इनके हाथों से चला जाएगा, जेरूसलम से जो क्लेम है वो भी इनके हाथ में नहीं रहेगा, और इसी के साथ में जो इनके रिफ्यूजी यहां से भगा रखे हैं इनकी कंट्री से बाहर, उनको भी वापस आने का राइट नहीं मिलेगा। तो कहां से शांति प्लान ये हो गया ये बता दो आप। यानी कि अपना एरिया भी खत्म करवा रहे हैं यहां पर और जेरूसलम भी हाथ से गया, और जिनके रिफ्यूजी ऑल ओवर वर्ल्ड में बाहर इधर उधर पड़े हुए हैं वो भी वापस नहीं आएंगे, तो शांति समझौता ही है ये तो एक तरीके से हथियार लेकर दबाने की, यहां पर बैठ जाओ एक तरीके से कपड़े उतार कर और हिलना नहीं है आप लोगों, तो वो कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से अगर वेस्ट बैंक की अगर बात की जाए और गाजा स्ट्रिप को जो इनलार्ज करने की जो बात कर रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं कि एक टनल दे देंगे, यानी कि इनके द्वारा यूएसए के द्वारा यह बोला गया कि यहां से इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक टनल हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, और वो टनल कैसा होगा, चारों तरफ के यहां पर इसराइल की फोर्सेस आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगी। यानी कि एक और एक ऐसा तरीका क्रिएट करने जा रहे हैं कि ताकि फिर से कल को कोई लड़ाई होए और फिर से इसराइल जो है वो टनल को भी साइड में करके पता चला कल को गाजा स्ट्रिप भी अपने अंडर ले लिया और ये ऐसी हरकतें चल रही हैं यहां पर। तो ये जो इस तरीके का प्लान है तो फिलिस्तीन ने नेगोशिएट करने से स्टार्टिंग से ही मना कर दिया, पर लेकिन फिलिस्तीन के हाथ में कोई पावर भी नहीं है क्योंकि आज के दिन में सारी पावरफुल जो कंट्री है वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और फिलिस्तीन के सपोर्ट में कोई भी ढंग से ओपनली नहीं बोल पा रहा है। तो इसके चलते फिलिस्तीन की कंडीशन काफी खराब है, और इसी के चलते जो यूएई बहरीन ओमन और ये सारे जो हैं ये भी यहां पर बात करने के लिए तैयार नहीं है इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, क्योंकि जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप का रवैया कैसा है, कल को उनके ऊपर भी सैंक्शन लगने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए कोई भी अपना मुंह नहीं खोल रहा है। अगर बात करें इजिप्ट के बारे में, इजिप्ट ने यहां पर ऑफर सपोर्ट किया है। अगर सऊदी अरेबिया के बारे में बात करें तो उसने भी यहां पर एक तरीके से वेलकम बोला है कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में बात तो कम से कम हो रही है, ऐसी बात का क्या करना सामने वाले की गर्दन पर बंदूक रख के बोलो कि जो हम कहेंगे वही तुमको बोलना है और यही समझौता होगा, तो ये कोई समझौता नहीं है। तो इस तरीके से क्या कंडीशन यहां पर चल रही है, तो जो फिलिस्तीन की डिमांड है उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इवन जो उसका रीजन है उसको भी और यहां पर हड़पने की कोशिश की जा रही है। तो कहां से आप लोग इसको बोल सकते हैं एक सही तरीका है, रिफ्यूजी जो इनके बाहर पड़े हुए हैं उनको आप लोग वापस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से यूएन के द्वारा बातें बोली गई थी, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, कि किस तरीके से एक शांति होनी चाहिए, उसके हिसाब से अगर बात करें तो कुछ समझ में आता है। आज की डेट की यथास्थिति को बनाए रखकर और यहां पर डिवाइड कर देना कंट्री को, यह तो कोई तरीका नहीं होता है। यानी कि सामने वाले को बिल्कुल दबाकर उसका पूरा एरिया छीनकर और वहां पर अपना एस्टेब्लिशमेंट कर उनको बोले कि यह सारा चीज हमारा है, तो किस हद तक आप लोग इसको वाजिब बोल रहे हैं और कहां पर आप लोग इसको पीस प्लान बोल रहे हैं। यह तो फिलिस्तीन के जो लीडर हैं उनको अपनी जनता को समझाना मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये तो ऐसा है बिल्कुल जैसे बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर वाला पूरा रीजन हम लोग पाकिस्तान को दे दे और बोले कि शांति बनाकर हम लोग को रखनी है। क्या हमारा देश उसको एक्सेप्ट कर पाएगा? किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेगा, ईंट से ईंट बच जाएंगी। और यहां पर तो इस तरीके से ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर दूसरी साइड में अगर बोले पाकिस्तान में भी ये कंडीशन है, पाकिस्तान बोले कि जो कश्मीर वाला रीजन उनके अंदर है कि इंडिया को पकड़ा दे, तो वो भी यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से कंडीशन यहां पर ये है कि शांति का एक मिड पाथ होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से एक टाइम पर अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा सुलझाने की बात की गई थी, ये बोला था पाक ऑक्यूपाइड एरिया जो पाकिस्तान के अंडर में वो वहां पर रहे, इंडिया के अंडर वाला इंडिया के अंडर में रहे और दोनों को शांति से रहना है। तो ऐसा यहां पर कोई मुद्दा एक बार चल रहा था, पर लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो इस तरीके से कम आप लोगों ने ये फिलिस्तीन घटा घटाकर यहां तक तो ला दिया, अब ये तो कम से कम रहने, तो इसके अंदर भी आप लोग इसराइल का एस्टेब्लिशमेंट चाह रहे हैं, तो कैसे ये आगे आने वाले टाइम में सर्वाइव कर पाएगा, ये आप लोग बात बता दो बस। यहां पर इस करंट कंडीशन को अगर ध्यान में रखते हैं तो इसके चलते तो और यहां पर इसराइल जो है फिलिस्तीन की
जो टेरिटरी है उसको हड़प लेगा यहां पर, और इस तरीके से ये कोई शांति का स्वभाव का ये कोई तरीका नहीं है। अगर इस तरीके से अगर शांति लाकर लाना चाह रहे हैं तो आप लोग फिर से एक ऐसा काम करें कि बारूद के ढेर पर बैठकर तिल्ली जला रहे हैं, यानी कि फिर से वो नहीं है कि एक डायलॉग मुझे याद आ गया, एक टाइम था मैं स्कूल में स्पीच दिया करता था अपने, ये 12th तक जब वहां पर पढ़ते थे तो मेरी स्पीच जो हुआ करती थी वो बड़ी डिफरेंट हुआ करती थी, उसमें कई सारे ऐसे डायलॉग रहा करते थे जो कि आज के डेट में वो स्पीच मेरे पास कई सारी अब भी रखी हुई है, जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो मुझे खुद हंसी आने लगती है कि मतलब कैसी कैसी स्पीच लिखता था उस टाइम पर मैं। तो मैंने एक बार जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे के ऊपर एक स्पीच दी थी, तो उसमें एक डायलॉग था, जो आज हमारी अमनो शांति की उड़ा रहे हैं खिल्ली, उन्हें क्या पता वो बारूद के ढेर पर बैठकर जला रहे हैं तिल्ली। तो काफी कुछ ऐसे डायलॉग रहा करते थे, तो वही बात यहां पर मुझे याद आ गया एकदम कि जो आज के दिन में शांति और अमन की बात कर रहे हैं उन्हें क्या पता कि वो बारूद के ढेर पर बैठकर तिल्ली यहां पर जला रहे हैं। तो यह है बेसिक फंडा, कोई शांति का कोई काम यहां पर होने वाला नहीं है, जैसी हरकतें हैं तो शांति कैसे लानी है उसका तरीका इनको पुराना पैटर्न तो थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें फेलेस्तीन भी आकर बात करे और फेलेस्तीन को भी कम से कम लगे कि हाँ कुछ सही काम हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है कि शांति किधर से नहीं है यहां पर, तो शांति दूर दूर तक भी नहीं, यहां पर अशांति यहां पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये नरेगा के बारे में बात कर रहा है, जिसको आज के डेट में MGNREGA भी आप लोग बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारी कंट्री में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया 2005 में, तो 2005 में जब आया इसका मतलब ये है कि गांव वाले एरिया में, रूरल वाले एरिया में आप लोगों को क्या कर रहे हैं, इंप्लॉयमेंट प्राउड प्रोवाइड कराना है और उसकी भी गारंटी आप लोग दे रहे हैं। यानी कि अगर कोई आकर यहां पर रजिस्टर करता है फैमिली का मेंबर और उसको यहां पर एक तरीके से इनकम नहीं मिल, एक तरीके से काम नहीं मिलता है, तो उसको इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक्ट में ही बोला गया कि गारंटी है इस चीज की। तो एक्ट जो पास किया गया सितंबर 2005 में इसको पास किया गया और फिर इसको आगे चलकर इंप्लीमेंट कर दिया गया, तो एम ये था कि लगभग 100 डेज का तो कम से कम काम मिल ही सके अगर पूरे ईयर की हम लोग बात करते हैं। इसको लॉन्च किया गया फरवरी 2006 में, तो ये पर्टिकुलर जो हमारी कंट्री में प्रपोज किया गया था सबसे पहले, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी थे उनके द्वारा फर्स्ट टाइम इसको प्रपोज किया गया था कि ऐसा कुछ हमारी कंट्री में होना चाहिए। फिर आगे चलकर इसको यहां पर पहले इसको नरेगा बोला गया, फिर आगे चलकर महात्मा गांधी जी का नाम भी इसके स्टार्टिंग में ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा भी यहां पर अगर बात करें इसको, ये रूरल डेवलपमेंट का काफी अच्छा उदाहरण इसका दिया गया था 2014 की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट थी उसमें बोला गया था कि ये एक ऐसा स्टेप है कि जो कि रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो ये कई सारी बातें बोली गई, पर लेकिन जैसे जैसे अगर कोई एक पार्टी यहां पर कोई आती है पावर में और वो कोई स्कीम बनाती है तो दूसरी पार्टी क्या सोचती है कि पुरानी स्कीम का नाम चेंज कर दो या फिर थोड़ा बहुत उसमें चेंज करो, और ये दोनों करती है, कांग्रेस भी करती है और बीजेपी भी करती है जब पावर में आती है। तो इससे क्या होता है, इससे ये निकलकर सामने आता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि आज की डेट में अगर कोई ऐसा फंडा यहां पर बन रहा है कि आप लोग इसको चेंज कर दो, तो इससे ये होगा कि पुराने वाले ये नहीं बोलेंगे कि हाँ पुराने वाला अच्छा काम करके गया और ये एक तरीके से उनका नाम नहीं रहेगा। हालांकि इस स्कीम का नाम तो चेंज नहीं किया गया, पर इस स्कीम के साथ में जो कंडीशन बन गई है वो कहीं ना कहीं ये स्कीम मरने की कगार पर कई बार पहुंच जाती है। बहुत जल्दी तो इसके फंड जो होते हैं वो यहां पर खत्म हुए रहते हैं, जैसे अभी हम लोग जनवरी में बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी फरवरी बचा हुआ है और पूरा मार्च बचा हुआ है और इसके पास में पैसा ही नहीं है। इस स्कीम के पास में लगभग 15 राज्य ऐसे हैं जिनका पैसा इस स्कीम को लेकर खर्च हो चुका है, तो इसके चलते जो डेफिसिट है लगभग 300 करोड़ का देखने को मिल रहा है और इसी के चलते यानी कि और ज्यादा यहां पर रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से कहां से आप लोग यहां पर इसको लेकर आओगे, तो कैसे आप लोग इसको कंप्लीट करोगे। राजस्थान माइनस में चल रहा है, यूपी यहां पर माइनस में चल रहा है, कुछ पॉजिटिव है और कुछ मैक्सिमम आप लोग यहां पर माइनस में नजर आएंगे। तो कंडीशन यहां पर यह है, इसके लिए यहां पर पैसा ही अवेलेबल नहीं है, तो स्कीम कैसे इंप्लीमेंट होगी, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या फिर गारंटी एक्ट भी आप लोग इसको बोलते हैं, ये एक तरीके से उस टाइम पर काफी बड़ा रोल प्ले करता है गांव के लिए, जब गांव में क्रॉप फेलियर हो जाती है, एग्रीकल्चर क्राइसिस आ जाता है, यानी कई बार आप लोगों को बाढ़ देखने को मिलती है या फिर सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं मिल पाता है या फिर कई तरीके के अटैक होते हैं, जैसे अभी टिड्डी का अटैक देखने को मिला था वेस्टर्न इंडिया में, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है एक ऐसे टाइम पर जब हमारी इकोनॉमी जो होती है वो स्ट्रेस यानी कि काफी लो लेवल पर चल रही होती है, लोगों के पास में कुछ काम धाम होता नहीं है, तो उस टाइम पर ऐसे जो एक्ट है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और कहीं ना कहीं यहां पर इसके बारे में बात भी की जाती है कि जो ऑनगोइंग इकोनॉमिक स्लोडाउन है वो एक ऐसी इसके रीजन से भी वजह से है कि गांव की जो रूरल हमारी एरिया की जो वेज है उसमें डिप्रेशन आ रहा है, यानी कि उन लोगों के पास में पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो इसीलिए भी इकोनॉमी जो है वो डाउन हो रही है, लोग ट्रैक्टर स्कूटर और इसी के साथ में अपने गांव में जो भी डेवलपमेंट की चीजें होती है वो नहीं कर पा रहे, तो इसके चलते ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसके चलते 15 राज्य ऐसे हैं जो कि ठेंगा दिखा चुके हैं एक तरीके से, जिनके पास में बजट बचा ही नहीं है, और आने वाले टाइम में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं
जो कि पे करने के कैपेबल करार कर, के पे करने की कंडीशन में नहीं है। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये जो अभी देखने को मिलती है, आप लोगों को याद होगा अगर लंबे समय से आप लोग ये डिस्कशन फॉलो कर रहे हैं, मैंने डिस्कस किया था कि आज की डेट में ऐसे भी केस देखने को मिलते हैं कि नाम किसी और का है और सैलरी किसी और के अकाउंट में जा रही है, यानी कि आज की डेट में उन लोगों को अपना एक तरीके से मेहनत का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है जो यहां पर काम भी कर रहे हैं, वो भी काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई कई महीने तक भी डिले हो जाती है इनकी सैलरी, तो उसके चलते सोचिए गरीब तबका सोसाइटी का जिसमें घर में बच्चे भी हैं, कई बीमार लोग भी होंगे, कैसे यहां पर सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। तो जो इस तरीके से यहां पर बोला जा रहा है कि जो बजट में, हालांकि जुलाई में जो बजट दिया गया था वो बजट पहले के कंपेयर में ज्यादा था, पर लेकिन फिर भी जितना एलोकेशन यहां पर होना चाहिए उसके कंपेयर में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना यहां पर नहीं था, ताकि इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, वो सारी चीजें यहां पर देखने को नहीं मिली। अगर बात करें यहां पर जो रिसर्चर है उनके हिसाब से, अगर आप लोग बात करें तो जो स्कीम है यहाँ पर, ये 18 से जो 30 की एज के जो ग्रुप का जो यंग यूथ है, कहीं ना कहीं आजकल में काफी लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयड देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये काम भी प्रोवाइड यहाँ पर कराता है, जो कि एक अच्छी चीज है, एक डेवलपमेंट का काम आप लोग बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर MGNREG के बारे में बात करें तो ये एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, खासकर अगर बात करें यहाँ पर जो लोग काम करते हैं तो इस तरीके से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है अगर ढंग से इसको इंप्लॉय किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको ढंग से अगर यूटिलाइज किया जाए तो गांव के लोगों की स्किल आप लोग बढ़ा सकते हैं, यानी कि स्किल्ड लेबर फोर्स बना सकते हैं, उनको अलग अलग काम सिखा सकते हैं, इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। और इसी के साथ में जैसे रोड या फिर कुआं खोदना या फिर डैम बनाना, इसके अलावा भी बियॉन्ड द आप लोग इसकी लिमिट के बाहर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बस यही काम करने हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों अगर कोई बोले कि हाँ बस आप लोगों को यही किताबें पढ़नी है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वही किताबें पढ़नी है, कभी कभी टाइम भी निकाल के वीक में एक दो घंटा मोटिवेशनल किताबें भी पढ़ लिया करो तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो ये थोड़ा ना कि बस एग्जाम की किताबों में ही लगे हुए हैं। तो इस तरीके से कभी कभी टाइम निकाल के मूवी भी देखा करो, कभी कभी टाइम निकाल के अपना खेल भी लिया करो थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो सारी चीजें होती रहनी चाहिए। तो एक ऐसा नहीं है कि आप लोग बस एक ढांचे में फंस गए और उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा, कभी आप लोग प्रोग्रेसिव में बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो फंडा ये है कि चीजें आप लोगों को सख्त तरीके से लेकर चलिए, तो स्कीम को अगर रखा गया तो ढंग से यूटिलाइज करो ना। और इकोनॉमिस्ट भी ये बोल रहे हैं कि जो आज के डेट में जो रूरल कंजप्शन खत्म हो रहा है, कम हो रहा है काफी लार्ज स्केल पर, ये भी बहुत बड़ा रीजन है हमारी कंट्री में इकोनॉमी स्लो डाउन है। हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के भी द्वारा एक प्लान यहां पर सजेस्ट किया गया था, उनके द्वारा बोला गया था कि जो गांव की इकोनॉमी में अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो तब तक यहां पर चीजें नहीं ढंग से हो पाएगी। और ये यहां पर मनमोहन सिंह जी नहीं, इस बार के जो नोबेल प्राइज विनर है वो भी यहां पर इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो भी आगे डिस्कस करूंगा एक आर्टिकल में डिटेल में उनके बारे में बताया गया। तो इस तरीके से अगर हम लोग पेज भी ढंग से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, उनकी पे भी नहीं दे रहे हैं, और उनको जो पे मिल रही है वो भी एडुकेट नहीं है, यानी कि प्रॉपर नहीं है, टाइम पर भी नहीं मिल पा रही है, तो इस तरीके से कहां तक आप लोग गांव की इकोनॉमी को ढंग से डेवलप कर पाएंगे? तो ये सही तरीका नहीं है कि आप लोग इस तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो बजट आ रहा है, इसको अच्छे से आप लोग आगे से ध्यान रखिए कि आगे से पैसों की कमी ना हो, कम से कम गांव तो हमारा प्रोडक्टिव बना रहे। और महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें या फिर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में बात करें, इन सबके द्वारा भी हमेशा जो गांव यानी कि रूरल जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करने की बात की गई थी, क्योंकि यह माना जाता है कि हमारा जो भारत है एक्चुअल में गांव में रहता है। तो अगर गांव को आप लोग डेवलप नहीं करोगे तो कभी भी आप लोग अपनी कंट्री को डेवलप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, प्रायोरिटी देने की बात की जा रही है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। अगर एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर हम लोग प्रायोरिटी नहीं देंगे तो हम लोग चीजों को आगे लेकर नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात बोली गई है। और हाँ, इससे एक क्वेश्चन है आप लोग ये भी देख लीजिए, स्टेटिक क्वेश्चन भूल जाता हूं पर लेकिन वहां पर आप लोगों को मिल जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में जाकर आप लोगों को पढ़ना है, 2019 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर बात करनी है कि हाउ इट कैन यूज इन कंट्रोलिंग द इंटरनेट क्राइम, यानी कि इंटरनेट को क्राइम करने से कैसे इस प्रोजेक्ट के थ्रू रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क भी है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा भी, और क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यह आज का आप लोगों का स्टडी क्वेश्चन जो कि आप लोगों को जाकर अटेम्प्ट करना है। आइए अब बात करते हैं यहां पर, देखिए अगर आप लोगों को एक इंसान यानी कि ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाना है तो आप लोगों को उसको एजुकेशन देनी पड़ेगी और अच्छी हेल्थ देनी पड़ेगी। सबसे पहले हेल्थ होती है और फिर एजुकेशन होती है। अगर ये दो चीजें आप लोग ढंग से दे पा रहे हैं तो वो इंसान आगे चलकर इस कैपेबल होगा कि वो इंप्लीमेंट कर सके, और वो इंप्लीमेंट कर पाएगा तो कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हर एक लेवल पर चीजें जो है वो आगे बढ़ती नजर आएगी। तो इस तरीके से हमारी मार्केट में डिमांड भी क्रिएट होगी और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में सोचेंगे। तो इसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल है। रिसेंट मंथ में गवर्नमेंट के द्वारा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। तो यहां पर अगर स्लो डाउन के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं स्लो डाउन के बारे में कोई ढंग से बात ही नहीं कर रहा है, जिस तरीके से हम लोग तो एनआरसी और सीए के ऊपर लगे पड़े हैं। स्लो डाउन क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। अगर बात करें पॉलिसी के बारे में हमारी कंट्री में, तो आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि जिस तरीके से पोटेंशियल हम लोग फोकस देकर चल रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हमारा फोकस है, कॉर्पोरेट सेक्टर पर, तो इन पर तो हम लोग फोकस देकर चल रहे हैं। कंसेशन भी दे दिया गया इनको यहां पर लास्ट बजट में 1.4 लाख करोड़ का, यानी कि इतनी
छूट यहाँ पर इनको जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो इंडस्ट्री है, उनको दे दी गई ताकि उनके बिजनेस ढंग से चल सके। पर लेकिन अब की बार के जो नोबेल प्राइज विनर है अभिजीत बनर्जी, जो इकोनॉमी में इनको नोबेल प्राइज मिला है, इनके द्वारा ये बोला गया कि आप लोग कॉर्पोरेट को दे रहे हो, चलिए वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन इससे ज्यादा फोकस आप लोगों का होना चाहिए था कि जो गाँव का तबका है, खासकर हमारी जो इकोनॉमी जो स्लो डाउन हो रही है, तो आप लोगों को उनके हाथ में पैसा देना चाहिए। जो गरीब तबका है सोसाइटी का, जिसके हाथ में पैसा नहीं है, उसके हाथ में पैसा देना चाहिए, वो अपनी रिक्वायरमेंट की चीजें खरीदेगा तो इससे मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। यानी कि अगर कोई गरीब इंसान है तो वो क्या करेगा, अपनी जैसे घर में मान लीजिए टीवी नहीं है, घर में प्रेस नहीं है, घर में कुकर नहीं है, स्टोव नहीं है, वो कोई इस तरीके से फैन नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सामान चीजें खरीद कर लेकर आएगा। अगर यहां पर इस तरीके से इनके हाथ में पैसा होगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, फिर सप्लाई करने के लिए कंपनी काम करेगी। तो इस तरीके से आप लोग इनके बारे में सोचिए। तो यहां पर आप लोगों को इसको लेकर चलना है, वरना आप लोग जो है इकोनॉमी को ढंग से एक तरीके से रिन्यू कर ही नहीं पाओगे। ये खुद यहां पर इकोनॉमी के नोबेल प्राइज विनर बोल रहे हैं और इनका फोकस रहा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पर और डायरेक्ट इनकम। यानी कि ये जो तरीके हैं, ये गांव में जो लोग हैं उनके हाथ में डायरेक्ट इनकम देते हैं। अगर इस तरीके से आप लोगों के हाथ में इनकम दोगे तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा डेवलपमेंट होगा एज कंपेयर टू जो आप लोग ये जो कॉर्पोरेट हाउस है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको आप लोग जो छूट यहां पर दे रहे हैं उसके कंपेयर में यहां पर आप लोग दो। देखिए होता क्या है, किसान के हलक में हाथ डालकर अपना पैसा ये लोग निकाल लेते हैं इस तरीके से, अगर यहां पर कंडीशन होती है। और नीरव मोदी टाइप के जो लोग हैं, कई सारे ऐसे लोग आप लोगों को नजर आ जाएंगे जो हमारी कंट्री में इतनी बर्बादी कर जा चुके हैं और कॉर्पोरेट हाउस पर कई सारे दुनिया भर के ऐसे छूट में इस तरीके से दे देते हैं। पर लेकिन अगर जरा सी बात आती है तो यहां पर रूरल की इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव करना है उसके ऊपर फोकस देने के लिए तैयार नहीं है। एजुकेशन में और यहां पर जो हेल्थ में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है उसके ऊपर फोकस देने के लिए तैयार नहीं है। तो यह सही तरीका नहीं है जो यहां पर काम किया जा रहा है। अगर यहां पर हमारी कंट्री में एजुकेशन में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और इसी के साथ में डिमांड क्रिएट भी हम लोग कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारी कंट्री में आया, जिसके चलते यह बोला गया 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है। कब आया यहां पर, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमारी कंट्री में इसको इंप्लीमेंट किया गया। पर लेकिन अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करने की बात की जा रही है। यहां पर 6 के कंपेयर में ये बहुत बात कर रहे हैं इसको कि 3 से स्टार्ट कर दो और यहां पर जो 6 से लेकर जो यहां पर 14 तक का बात चल रही है तो क्लास की भी यहां पर इसी तरीके से बात रहती है। यानी कि जो क्लास रहती है 6 से 14 तक का, वो कितनी क्लास रहती है यहां पर, तो आप लोग इसके लिए ये आप लोग देखें यहां पर, इसको आप लोग समझ पाएंगे। अभी जो यहां पर एज की सॉरी क्लास नहीं, यहां पर एज की बात चल रही है, 6 से लेकर 14 तक की जो एज है उसमें जो क्लास 1 से लेकर यहां पर क्लास कितने तक चलता है, 8 तक चलता है। तो 1 से लेकर 8वीं क्लास तक का एजुकेशन फ्री है हमारी कंट्री में। अभी यहां पर बोला जा रहा है कि इसको 3 साल तो नीचे लेकर आओ आप लोग यहां पर, यानी कि 3 साल और एजुकेशन प्रोवाइड कराओ यहां पर और इसको थोड़ा ऊपर भी लेकर जाओ, इसको 12वीं तक लेकर जाओ। तो कम से कम ये जो है यहां पर, ये इधर थोड़ा सा और नीचे जाके और यहां तक का जो सिस्टम है इसको आप लोग फ्री प्रोवाइड कराओ हमारी कंट्री में, ये एजुकेशन आप लोग कवर करो। इससे क्या होगा, बहुत लार्ज स्केल पर जो बच्चे हैं वो यहां पर पढ़ पाएंगे और इसी के साथ में जो बहुत सारे टीचर की रिक्वायरमेंट होगी तो बहुत सारे टीचर की पड़ेगी, तो यहां पर लगभग 5.7 मिलियन एडिशनल टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आने वाले टाइम में, जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर आप लोग यहां पर एक तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंप्रूव कर पाएंगे और यूनिवर्सलाइजेशन क्वालिटी एजुकेशन स्कूल में यहां पर देखने को मिलेगी। आज की डेट में टीचर ही नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत सारे स्कूल जो है उसमें टीचर की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। तो इस तरीके से कहां तक आप लोग सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से चलते हैं तो 12.5% जो स्कूल आज के डेट में अगर बात की जाए तो RTI के अंडर कवर किए जा रहे हैं, जबकि यहां पर ढंग से आप लोग फोकस RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन RTE यहां पर RTE के अंडर कवर किए जा रहे हैं। तो इसके चलते जो सारे स्कूल है बहुत सारे आज के में खाली पड़े हुए हैं और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग क्रिएट करने बैठेंगे तो फिर से आप लोग वहां पर मिस्त्री लगाने पड़ेंगे, तो वहां पर भी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इस तरीके से आप लोग एजुकेशन और इंप्लॉयबिलिटी एक साथ में बढ़ा सकते हैं अगर थोड़ा सा ढंग से फोकस दिया जाए तो। यानी कि अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोग सोचेंगे तो सोल्यूशन आप लोग की आंखों के सामने है, पर लेकिन आप लोग उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करें। 1,00,000 करोड़ जो आप लोगों ने यहां पर कॉर्पोरेट हाउस को दिया था, अगर एजुकेशन पर लगा देते तो एजुकेशन में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिलता। सिमिलर कंडीशन यहां पर हेल्थ की बात की जा रही है, यहां पर क्या कंडीशन है। और हां, ऊपर अगर हम लोग बात करें, अभी प्रथम एनजीओ के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें प्राइवेटाइजेशन पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, एजुकेशन को प्राइवेट एरिया के हाथ में ज्यादा दिया जा रहा है और प्राइवेट एरिया जो लोग हैं वहां पर ज्यादा एजुकेशन पर अपना कब्जा दबा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, तो वो तो अपना हर टाइम सामान बेचने के चक्कर में रहेंगे, तो वहां पर थोड़ी ना कि जनता के बारे में सोचा जाएगा। तो ये एक अलग फंडा यहां पर निकल कर आता है। अगर बात करें यहां पर हेल्थ के बारे में, हेल्थ में भी सेम फंडा है। हेल्थ में जो पैरामेडिकल वर्कर है, मिडिल लेवल जो हेल्थ वर्कर है, नर्सरी जो नर्स है और जो ट्रेन डॉक्टर
डॉक्टर हैं, अगर उनके बारे में बात करें ढंग से, अगर आप लोग चीजों को लेकर आते हैं तो एक ह्यूज डेवलपमेंट आप लोग यहां पर ला सकते हैं। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, प्रॉब्लम यह देखने को मिलती है कि यहां पर भी यह सोचा जा रहा है कि प्राइवेटाइज के हाथ में दे दिया जाए पूरा हेल्थ सेक्टर, और इसी के साथ में यहां पर जो गवर्नमेंट है वो इससे अपना पीछा छुड़ाना स्टार्ट कर दे। तो हेल्थ और एजुकेशन अगर प्राइवेटाइज के हाथ में जाएगा तो ये एक तरीके से अमीर लोगों के हाथ में बन जाएगा, बस एक तरीके से, जिस तरीके से बोला जाता है वो मूवी अभी रिसेंटली आई थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो इस तरीके से कंडीशन जो है वो और ज्यादा खराब होती नजर आएगी। तो इसके बारे में कैसे चीजें आप लोगों को लेकर चलनी है वो समझनी पड़ेगी। तो अगर इंप्लॉयमेंट भी क्रिएट करना है सारी चीजें, तो हेल्थ और एजुकेशन पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। अगर इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे चलकर लॉन्ग टर्म में आप लोगों को प्रोडक्टिविटी यहां पर बहुत शानदार देखने को मिलेगी, पर लेकिन शॉर्ट टर्म के फायदे के लिए यहां पर लगे रहते हैं जिसके चलते काफी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है चीजों को देखने का। हेल्थ और एजुकेशन यहां पर उसको पब्लिक गुड की तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है वाइडली। अगर डेवलप या फिर डेवलपिंग यानी कि अमीर और गरीब कंट्री में जो दूसरी है उनमें अगर आप लोग देखेंगे, या तो वो खुद प्रोवाइड कराते हैं इसको और या फिर सब्सिडी देते हैं यानी कि एक छूट प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके चलते यहां पर काफी अच्छा उनका एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलता है, उनका हेल्थ सिस्टम देखने को मिलता है। अभी हम लोगों ने ब्राजील के हेल्थ सिस्टम के बारे में बात की थी, कितना शानदार तरीके से वहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट की हेल्प से, पर लेकिन हमारी कंट्री में इसके अपोजिट जा रहे हैं, यानी कि प्राइवेटाइज कर रहे हैं हेल्थ को भी और एजुकेशन को भी। हमारी कंट्री में ये फंडा यहां पर चल रहा है। प्राइवेटाइज अगर करेंगे तो देखिए इसकी एफिशिएंसी तो बढ़े या ना बढ़े, पर लेकिन क्वालिटी अगर बढ़े या ना बढ़े, पर लेकिन जो गरीब तबका है सोसाइटी का उनको चीजें नहीं मिलेगी, इनइक्वलिटी जरूर बढ़ेगी, ये इस बात की गारंटी यहां पर दी जा सकती है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो इंस्टीट्यूशन है उनको आप लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और इस तरीके से जो आप लोग फोकस देकर चल रहे हैं प्राइवेटाइज किया जाएगा तो फिर जिन लोगों के पास से पैसा होगा वही यहां पर इसको ले पाएगा, जिसके पास में पैसा नहीं है उसके बारे में कौन सोचेगा। तो इस तरीके से आप लोगों की जो प्रायोरिटी है वो आप लोगों को रीप्रायोरिटी करनी पड़ेगी एजुकेशन और हेल्थ को लेकर। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तभी चलकर आप लोग यहां पर सिचुएशन को ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगी तो पढ़ेंगे नहीं, और जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी, और उस तरीके से आप लोग नेगेटिवली एक सोसाइटी पर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। तो इसके बारे में सोचना चाहिए, और बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तो एक अच्छा टाइम भी है इसके बारे में सोचने के लिए। तो यहां पर ये बातें बोली जा रही हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में R&D बोलते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, अगर हमारी कंट्री में कोई मेडिसिन बनाई जा रही है, कोई हमारी कंट्री में कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री अपने ऊपर डिपेंडेंट बनेगी। यानी कि जैसे कि बाहर की कंट्री से हम लोग सामान खरीद कर लेकर आते हैं, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, हम लोग खुद सामान को बनाएंगे तो हम लोग कल को उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, बेचेंगे भी, और अगर हम लोग उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यानी कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको जॉब मिलेगी, और उनको अगर जॉब मिलेगी तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, और इनकी जो कंजप्शन पावर बढ़ेगी हमारी कंट्री में, तो डिमांड एंड सप्लाई वाली जो साइकिल है वो तैयार हो जाएगी हमारी कंट्री में। यानी कि अगर जनता डिमांड करेगी तो फिर कंपनी को माल भी सप्लाई करना पड़ेगा, पर लेकिन वो तभी होगा जब यहां पर ये R&D वाला काम हम लोग ढंग से खुद से करें। हमारी कंट्री में हम लोग इसमें सबसे पिछड़ी देखने को मिलते हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है, और बहुत बड़ा रीजन इसका हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम भी है। आज के डेट में अगर कोई बच्चा एजुकेशन सिस्टम में है, एजुकेशन ले रहा है, तो 99.9% जो बच्चे हैं उनके माइंड में बस ये चल रहा है किसी तरीके से ये खत्म हो जाए और हमारी कंट्री में हम लोग को एक जॉब मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इस तरीके का हम लोग माइंडसेट क्रिएट ही नहीं कर पा रहे कि आगे चलकर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, कोई PhD पर फोकस देकर चले, क्योंकि PhD वाले भी प्योन की जॉब के पीछे आज के डेट में है। क्यों, रीजन ये सही, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा, उनको कोई ढंग से चीजें मिल ही नहीं पा रही है। तो ये सिचुएशन हमारी कंट्री में जो है कि अंडर एक तरीके से जो जॉब मिलनी चाहिए थी उनकी अंडर कैपेबिलिटी का जॉब मिल रही है, यानी कि PhD प्योन, तो समझ रहे हैं कहां से P को P से कनेक्ट किया जा रहा है, तो ये सही तरीका नहीं है। तो इसके लिए जो अपकमिंग बजट है उसमें हम लोगों को अच्छे से यहां पर इसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के लिए। 107वां साइंस कांग्रेस अभी बेंगलुरु के अंदर देखने को मिला, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। तो यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि जो यंग रिसर्चर हैं उनको इनोवेट, पेटेंट और इसी के साथ में प्रोड्यूस और प्रोस्पर, इन सब चीजों के बारे में फोकस दिया गया। यानी कि बड़ी बड़ी बातें एक तरीके से बोली गई, पर लेकिन गवर्नमेंट रियलिटी में कर क्या रही है वो यहां पर मैं समझाता हूं। गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारी कंट्री में लेबोरेटरीज हैं, जो रिसर्च सेंटर है, और इसी के द्वारा उनको यह बोला गया कि हम लोग आपको पैसा नहीं देंगे, आप लोग अपने रिवेन्यू का जुगाड़ अपने आप करो। यानी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जो अपनी एक्सपर्टीज है मार्केट में जाकर जो सरप्लस आप लोग होता है उसको इन्वेस्टमेंट करो, और वहां से जो पैसा निकल कर आता है अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करो, वहां से आप लोग एक तरीके से पैसा लेकर आओ।
तो ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे जो अगर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को घर से बाहर निकाल के फेंक दे और उनको बोलो जो तुमको करना है अपना आप करो, हम तुम्हारी जरा सी भी हेल्प नहीं करेंगे। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे वहां पर जो डेवलप होकर निकल जाएंगे, उसको अलग तरीके से लेकर चलेंगे, मैक्सिमम जो है वो पिस जाएंगे उस माहौल में। तो यही कंडीशन हमारी कंट्री में रिसर्च इंस्टीट्यूट की देखने को मिल रही है। देहरादून डिक्लेरेशन आया हमारी कंट्री में CSIR लैब्स के द्वारा 2015 में, तो इसमें यह बोला गया कि जो आज की डेट में जो मार्केट में जाकर खुद अपना सेल्फ फाइनेंस करो, यहां पर एक तरीके से रिसर्च के लिए गवर्नमेंट आप लोगों को पैसा नहीं देगी, यानी कि अपनी पढ़ाई अपने आप करो, हम लोग आपको पैसा नहीं देंगे, अगर पेरेंट्स ऐसा बोलने लगे। देखिए कम से कम जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं नॉर्मली बच्चों को, वो कम से कम उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए वहां तक उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, और आज की डेट में तो ऐसे हैं पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चा जो है जब तक जॉब भी करने लग जाए तब भी उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से बोलते रहते हैं कि बेटा कोई कमी तो नहीं है, तो इस तरीके से आप लोग देखने को मिलते हैं। तो ये पेरेंट्स का दिल होता है कि बच्चों के लिए इतना हद तक वो करते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के जो ये PSU है इनके बच्चे हैं और इनके साथ में भी इनको ऐसे ही करना चाहिए, पर लेकिन होता क्या है, ऐसा होता नहीं है। यहां पर नॉर्मली आज के PSU को बर्बाद कर कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइज चीजों को किया जा रहा है, ये काफी बड़ा इंपैक्ट आने वाले टाइम में डालने वाला है, जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड सारा काम चलेगा। ये बोलते हैं कि कई बार ये बोला जाता है, दुहाई दी जाती है कि जो प्राइवेट वाले हैं उनकी उनका जो एक तरीके से एफिशिएंसी है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। पर लेकिन अगर हम लोग इसरो के बारे में बात करें, क्या इसरो एक अच्छा उदाहरण नहीं है लेने के लिए, तो हम लोग क्यों इसरो जैसे इंस्टीट्यूशन दूसरे नहीं बनाते हैं, तो इसके लिए भी सोचने के लिए तैयार हमको रहना पड़ता है। अगर मार्केट ड्रिवन रेवेन्यू की मॉडल की बात की जाए रिसर्च सेंटर के लिए, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के लिए, तो देखें यहां से आप लोग मार्केट के बेस पर ये इसी चक्कर में रहेंगे, फिर अपना रिसर्च पर फोकस नहीं रहेगा, इसी चक्कर में रहेंगे पैसा कैसे कमाना है। यानी कि एक तो होता है कि फ्री माइंड होकर रिसर्च करना, एक होता है कि बस इस चक्कर में रहे कि भैया पैसा कमाना है। तो एक तरीके से आप लोग जो एक काम कर रहे हैं इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी आप लोगों को झेलना पड़ेगा यहां पर, जिसके चलते जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो तो कम होता जा रहा है और एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन में यहां पर प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। बोला जा रहा है इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दी जा रही है, पर लेकिन ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है अगर ढंग से देखा जाए तो। एक तरीके से जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारी कंट्री में उनकी बर्बादी है, ऐसा आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सीरियस रिपरकशन इसके देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया का जो कंपटीशन है, जो कॉम्पिटेंस है रिसर्च फील्ड में, वो वैसे ही कहीं पर टिक नहीं रहा है किसी के सामने, और आप लोग ऐसे स्टेप उठा रहे हैं तो ये और बर्बाद हो जाएगा। आज की डेट में हमारी कंट्री में 40 CSIR की जो लेबोरेटरीज हैं जहां पर साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज की जाती हैं, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसी के साथ में इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है हमारी कंट्री में, 600 के करीब हमारी कंट्री में यूनिवर्सिटी है, और इसी के चलते अगर बात करें 29 मिलियन स्टूडेंट आज के दिन में हमारी कंट्री में एजुकेशन ले रहे हैं प्रॉपर अलग अलग एरिया में। तो हमारी कंट्री में अगर रिसर्च में आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे कितना आउटपुट है, तो वो ना के बराबर है। यानी कि एक ह्यूज हमारी कंट्री में यूनिवर्सिटी रिसर्च लैब ये सारी चीजें, पर लेकिन अगर हम लोग रिसर्च एंड के फील्ड में अपने आप को कंपेयर करेंगे वर्ल्ड में, तो हम लोग कहीं भी नहीं टिक पाते हैं, हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना के बराबर इक्का दुक्का कोई रिसर्च निकल कर आती है। रीजन क्या है? रीजन है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंडिंग। हमारी कंट्री की GDP का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप लोग बोलते हैं 0.9% इवन 1% भी खर्च नहीं किया जाता है चाइना के द्वारा। 2000 से लेकर 2017 तक का अगर एवरेज आप लोग लगाकर चलते हैं 17 साल उनका जो एवरेज रहा है उसमें 17% के करीब इनके द्वारा खर्च किया गया है। जहां हम लोग 1% खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, वहां चाइना 17% खर्च कर रहा है। तो चाइना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा? चाइना में अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो प्रोडक्ट बनाया जाएगा। चाइना का माल आज के दिन में आप लोग हर एक कंट्री की मार्केट में फ्लड हो रहा है। रीजन क्या है? वो अपने R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो खर्च कर रहे हैं, जिसके चलते यहां पर आउटपुट निकल कर आ रहा है। तो ये है फंडे जिनके बारे में आप लोग फोकस देकर चलेंगे तो रिजल्ट निकलेगा, वरना कोई सॉल्यूशन यहां पर निकलकर नहीं आएगा, ऐसी बात यहां पर बोली जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं कि हम लोग को भी अपने ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करना पड़ेगा। जापान शानदार तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। ब्राजील के बारे में हम लोगों ने बात की थी, अपनी हेल्थ के ऊपर कितना लार्ज स्केल पर वो खर्च करें, तो वहां से भी हम लोग सोच एक तरीके से वहां से भी हम लोग कुछ समझ सकते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, कुछ फोकस दें, तो हम लोग अच्छा सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 2 अक्टूबर 2019 जो है आप लोगों को पता है किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की सेलिब्रेट की गई, या फिर इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोल सकते हैं गांधीयन ईयर इसको बोला जा रहा है कि गांधी जी का ये ईयर है। तो गांधी जी से रिलेटेड एक डिसेंडेंट शब्द यूज किया गया यहां पर, जो कि आर्टिकल इसी के ऊपर डिपेंडेंट, इसको बोलते हैं असहमत। यानी कि अगर आप लोगों को कोई चीजें पसंद नहीं आ रही है, आप लोगों को कोई सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, आप लोग उससे असहमत होते हैं, तो वो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि सही है। तो गांधी जी भी कहीं ना कहीं असहमत तरीके के आदमी रहते थे, वो कई बार लोगों से सहमत होते हुए नजर नहीं आते थे, कई सारे लीडर्स के साथ में उनके मतभेद रहते थे।
इसी के चलते आप लोग देखते हैं हांगकांग से लेकर अल्जीरिया तक, इसी के साथ में कैटलोनिया से लेकर ईरान तक, ऑल ओवर वर्ल्ड में अब की बार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें यहां पर चिली के अंदर भी काफी लार्ज स्केल प्रोटेस्ट देखने को मिले, लेबनान में प्रोटेस्ट देखने को मिले, जहां पर जो लिविंग कॉस्ट है लोगों की बढ़ गई, उसके चलते लोग जो है सड़कों पर उतर गए, चीजें जो महंगी हो रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था उसके चलते। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो दुनिया भर के बच्चे सड़कों पर निकल कर आए, ग्रेटर थनबर्ग को लीड करते हुए देखा गया, यहां पर हमारी कंट्री में कई सारे लोग बाहर निकल कर आए और प्रोटेस्ट किया गया कहीं ना कहीं वाले एरिया में भी। और महात्मा गांधी जी के द्वारा ये शानदार बात बोली गई है, क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इससे अगर आप लोग आंसर या फिर ऐसे स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा आप लोग यहां पर मार्क्स देखने को मिलेगा। गांधी जी के द्वारा यहां पर बोला गया कि अगर आप लोग पृथ्वी को यूज करेंगे अपनी नीड के हिसाब से तो सबको ये फायदा पहुंचाएगी, पर लेकिन अगर ग्रीड के चक्कर में आप लोग आ जाएंगे, लालच के मामले में, तो फिर ये एक हर एक इंसान के लिए अच्छी ऐसी पृथ्वी कई सारी भी अगर लेकर आ जाओगे तो भी इंसान का जो एक तरीके से लालच है वो नहीं बढ़ेगा। यानी कि अगर अपने हिसाब से यूज करोगे तो सही हमारी पृथ्वी, पर लेकिन अगर लालच में आके कि हाँ बस हम ही लूट लें खसोट लें सारा सामान तो फिर देखिए फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं कि यूज भी करो पर लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ो। तो ये सारी बातें यहां पर, तो गांधीयन ईयर बोला जा रहा है 2019 को, तो कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रहा है जो लोग हैं सड़कों पर उतर रहे हैं तो दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो गांधी जी पीस के पुजारी थे पर लेकिन पीस कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, एक तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। दूसरा, गांधी जी ने यह भी बोला था अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट होना चाहिए, तो वो यहां पर हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है और इवन ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से नॉन वायलेंस जो है आज की डेट में भी आप लोग गांधी जी की जो आइडियोलॉजी उनको बोल सकते हैं, वो हमारे कॉन्टेम्परेरी है, यानी कि आज की डेट में भी वो ऐसी की ऐसी जीवित है अगर कोई ऐसी सिचुएशन सोसाइटी में बनती है तो। गांधी जी का जो डिसेंटेंट माइंड था वो हमेशा से यही बातें बोला करता था बेसिकली, अगर आप लोग किसी के साथ में सहमत नहीं होते, लगता है कि वो सोसाइटी के हिसाब से अगर गलत हो रहा है तो एक तरीके से वो उसको बोलते थे कि हाँ डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट माइंड सेट रखता है और उसके साथ में आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ हम इस बात से सहमत नहीं है, यानी कि किसी को क्वेश्चन पूछने का हक है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो उसका आंसर भी उसको मिलना चाहिए, यानी कि उसको सप्रेस कर दिया जाए अलग अलग तरीके से, अगर कहीं इनजस्टिस हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है, और यही मॉडर्न जो फाउंडेशन यहां पर हो सकता है इनजस्टिस को अगर झेलते रहते हैं तो फिर देखिए गांधी जी की आइडियोलॉजी नहीं है यहां पर, इस तरीके से गांधी जी का ईयर आप लोग इसको नहीं बोल सकते हैं। तो अगर यहां पर डिसेंडेंट असहमत माइंड है, आप एक तरीके से मॉडर्न टाइम में भी अगर देखेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आप लोग भी कई जगह मेरी बातों से सहमत नहीं करते, आप लोगों को लगता है कि ये सही बात नहीं है तो आप लोग कमेंट में लिखते हैं अपनी बातें कि हां सर यहां पर हम लोगों को लग नहीं रहा है कि आपने सही बोला है, तो सही है, इंडिपेंडेंट हो आप लोग, अपने थॉट रख सकते हैं, मैंने अपने थॉट रखे, अगर सहमत नहीं है तो आप लोग अपने थॉट रखो, किसी भी चीज को ब्लाइंड फॉलो मत करो। गांधी जी का यही मानना था कि अगर आप लोगों को लगता है यहां सही नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ यहां पर आवाज उठाओ। इसी के चलते गांधी जो है वर्ल्ड में एक ऐसे लीडर है आज के में अगर आप लोग बात करें कि जिनको सबसे ज्यादा जिनके बारे में बात की जाती है, इनको लेकर मार्टिन लूथर किंग जार से लेकर यहां पर दलाई लामा तक, इसी के साथ में मॉडर्न टाइम में अगर बात करें यह तहरीर जो स्क्वायर इजिप्ट के हैं यहां पर, इनसे लेकर यहां पर ओटपोर जो सर्बिया है, यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में इनको आज के दिन में फॉलो किया जा रहा है गांधी जी की आइडियोलॉजी को, और सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड पॉलिटिकल थिंकर है 20th सेंचुरी में अगर गांधी जी की आप लोग बात करते हैं। गांधी जी का जो डिसेंडेंट वाला जो फंडा था वो कहीं ना कहीं अगर आज के दिन में मूवमेंट में अगर बात करें पॉलिटिकल जो क्राइसिस यहां पर रहता है उसमें भी हेल्प करता है एक तरीके से रीथिंक करने के लिए अपने पॉलिटिकल चीजों को, यानी कि कहीं ना कहीं जनता जो है वो सड़कों पर आती है, क्यों सड़कों पर आती है, क्योंकि उनको लगता है कि सारी चीजें जो है सामने सही नहीं हो रही है तो उसके बारे में वो सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उस टाइम पर सिचुएशन ये निकल के आती है कि हाँ अब यहां पर हम लोगों को कुछ ना कुछ रीथिंक करना चाहिए, हम लोग सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं। तो गांधी जी का जो डिसेंडेंट का यहां पर ये फंडा था ये कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग को और डेमोक्रेटिकली क्वेश्चनिंग माइंड को यहां पर सामने लेकर आता था, पर लेकिन जब जब यहां पर ये चीजें पीछे हटती हैं उस टाइम पर हमारे सामने गांधी जी खड़े होते हैं और वो ये बोलते हैं कि कम से कम अब आप लोग यहां पर इन चीजों को सहन नहीं करना है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है सीएएनआरसी से कोई सहमत नहीं है तो उसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाओ, जैसे हमारी सोसाइटी में लगा भी रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप यहां पर समझ सकते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर आ रहे हैं और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, तो एक पॉजिटिव बात यहां पर बोल सकते हैं। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी आज की डेट में भी ऐसी की ऐसी है, आप लोग ये नहीं बोल सकते कि ये खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर एक किताब के बारे में बात की जा रही है, ये किताब है मृदंग से रिलेटेड, ये आप लोग इस तरीके का जो ढोलक टाइप का ये है इसको, इसके बारे में बात की जा रही है, तो इनके बारे में ये किताब लिखी गई है मृदंग, तो टीएम कृष्णा के द्वारा यहां पर लिखी गई है, तो जो कि आप लोग यहां पर याद रखते हैं सेबेस्टियन एंड सन्स, तो यहां पर ये किताब जो प्रस्तुत की गई है मृदंग टीएम कृष्णा, तो 799 किताब है, अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो इसको खरीद सकते हैं। तो इसके ऊपर यहां पर बेसिकली आर्टिकल लिखा गया ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मृदंग मेकर, जो यहां पर जो ये बनाने वाले हैं उनकी हिस्ट्री बारे में यहां पर बात की गई है, ठीक है। तो एक तरीके से प्रमोशन आप लोग बोल सकते हैं किताब का यहां पर किया जा रहा है, ओके। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, तो ये एक मतलब किताब है और उसके राइटर के नाम पूछ ले जाते हैं, तो उसके तरीके से आप लोग आइडिया रखिएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर जो डेटा पॉइंट है ये बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में, तो सीपीआई हमारी कंट्री का वो बोला जा रहा है स्लिप हो गया है दो प्लेस। अगर हम लोग बात करें हमारी कंट्री की जो 80 रैंक हुआ करती थी वो 78 पर आ गई है, इनके हमारी कंट्री में करप्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इंडिया का जो स्कोर है यहाँ पर, ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरी जो कंट्री है। अगर आप लोग इंडिया का स्कोर अगर बात करें यहाँ पर पहले से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं 19, 18, 17, 16, 15, 14, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो लगभग हम लोग इसी दायरे में हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है, 70 और 80 के बीच में हम लोग मैक्सिमम यहाँ पर घूम रहे हैं। इसी के चलते यहां पर अगर बात करें दूसरी कंट्री के साथ में आप लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन कितना कितना चेंज हो रहा है। जब हम लोग नेगेटिव में जा रहे हैं कई सारे पॉजिटिव में जा रहे हैं। भूटान जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है 3, साउथ अफ्रीका अपना सेम पोजिशन पर है, चाइना में इंप्रूवमेंट हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग के साथ में चाइना आ गया, चाइना में इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडिया में बात करेंगे अगर पहले के कंपेयर में आप लोग देखेंगे तो इंडिया गिर रहा है, ठीक है, यहां से आप लोग समझ सकते हैं ये कंपेयर यहां पर किया जा रहा है, ठीक है, तो कई सारे एरिया में हम लोग गिरते हुए भी नजर आते हैं, यानी कि नीचे हमारी कंडीशन जा रही है। तो इस तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या कंडीशन यहां पर चल रही है, ठीक है। तो यह है जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह तैयार किया जाता है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर अभी आएगा अभी आप लोगों का 1.5 घंटे बाद में, उसमें काफी कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि न्यूज एनालिसिस में काफी कुछ रहता है डिस्कस करने के लिए, जिसके चलते कई बार क्या होता है कि वो ढंग से डिस्कस नहीं कर पाता हूं, तो एक आर्टिकल भी बचा हुआ है तो ऐसे करूंगा तो ये 1 घंटे से भी ऊपर चला जाएगा, तो उसको आप लोग देखेगा। और इसी के बारे में थोड़ा बात भी कर रहा था, आप लोगों को क्या लगता है कि देखिए न्यूज एनालिसिस को ज्यादा टाइम में नहीं दे पाता हूं, ठीक है, तो उसके चलते क्या न्यूज एनालिसिस को हम लोग डिवाइड कर दें, अगर आप लोग इसको बोलें तो आप लोग क्या इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि न्यूज एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है जो कि प्रीलिम्स पास में आ रहा है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बताइएगा। लेक्चर देखिए 1-2 दिन, उसके बाद में आप लोग बताइएगा कैसा आप लोगों को लग रहा है इसको लेकर, और वीडियो का टाइमिंग भी फिर आप लोग बता दीजिएगा, अगर आप लोग लगता है 1 वीक कर देख लीजिए, अगर आप लोगों को सही लगेगा तो सही है, अगर सही नहीं लगेगा आप लोगों को तो फिर से हम लोग उसी तरीके से इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती है, आप लोग एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिए जो मैं यहां पर पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आप लोग फिर देख लीजिएगा, और इसमें क्या क्या लेके आना है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, इसमें थोड़ा सा और भी कई सारी चीजें ऐड करने का मेरा अभी मूड बन रहा है, तो 2 वीडियो अगर हम लोग डिवाइड कर दें, एक तो लगभग 6:30 या फिर 7 बजे के करीब आ जाए और दूसरी 8 बजे के करीब आ जाए, ठीक है, 6 के करीब और दूसरी 6:30, पहली 6:30 और दूसरी 8 के या फिर 7:30 के करीब, तो इसके बारे में आप लोग क्या बोलते हैं, अगर मॉर्निंग में दोनों वीडियो ऐसे आ जाएं तो कैसा रहेगा, जिसमें डिटेल में यहां पर डिस्कशन आप लोगों का हो जाएगा, और कई सारे क्वेश्चन भी यहां पर मैं सोच रहा हूं कि इसमें डाल दिया करूं जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग अपना राय दीजिएगा। तो दूसरी वीडियो आ रही है, 1 हफ्ता इसको आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को सही लगेगा सही है, वरना फिर से इसको उसी तरीके से पैटर्न पर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।